अयोध्या से बड़ी खबर, मिल्कीपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। 83 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। मिल्कीपुर के बाद गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी, जहां फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट का लोकार्पण करेंगे। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। विशाल, लगातार सीएम योगी का मिल्कीपुर दौरा देखा जा रहा है, एक बार फिर आज पहुंच रहे हैं और करोड़ों की सौगात देंगे। कह सकते हैं उपचुनाव के लिए पूरी रणनीति बनाकर ये जो सौगात है वो दी जा रही है। देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण दौरा है मिल्कीपुर का और अयोध्या का, क्योंकि अगर हम बात करें तो अयोध्या की सीट जो है वो बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, क्योंकि अयोध्या सीट लोकसभा हारने के बाद लगातार जो है पूरे देश भर में इसी बात की लेकर चर्चा हुई, और मिल्कीपुर की जो सीट है वो सुरक्षित सीट है। ऐसे में उस सीट पर जीत कर सीधे तौर पर एक मैसेज जो है वो बीजेपी देना चाहती है, और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाल रखी है और सुरक्षित सीट से जीत कर ये भी एक मैसेज देना चाहती है कि जो एक संविधान बदलने की बात अयोध्या से शुरू हुई थी, और चूंकि ये जो मिल्कीपुर सीट है ये सुरक्षित सीट है, तो ऐसे में जो दलित बाहुल इलाके हैं वहां पर बीजेपी जीत कर एक मैसेज देना चाहती है कि ये वोट बैंक उनके साथ है। तो इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है, और ये कहा जा सकता है कि आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद और सौगात के तहत जो डबल एस फार्मूला है उसके तहत अयोध्या जा रहे हैं, और अयोध्या में जाकर वो पहले सौगात देंगे, उसके बाद संवाद करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके, क्या कुछ स्थितियां हैं, अभी क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, और ये भी जीत कर मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो अयोध्या में जीत हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो केवल एक जो है तुक्का थी, ना कि इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी वजह थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर पीडीएफ फार्मूले की कार्ड के तौर पर लगातार कोशिश की जा रही है, और इसीलिए मिल्कीपुर सीट को लेकर बीजेपी की बड़ी प्लानिंग है, और खुद मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर हो चाहे कटेरी हो इनकी कमान संभाल रखी है।